बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इन बिगर जॉब्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, हमने एक पेपर शुरू किया हुआ था फिशरीज वाचर का, और इसका पार्ट वन जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसमें 46 एमसीक्यूज थे, अभी इसके बाकी एमसीक्यूज मुझे मिले हैं और मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस पेपर में जो है 54 इस वीडियो में जो है 54 एमसीक्यूज हैं, तकरीबन 100 एमसीक्यूज जो है इसके पूरे हो जाएंगे। और ये के फिशरीज डिपार्टमेंट में पेपर हुआ था 18/7/2021 को। इसका पार्ट वन का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो चलो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं कि व्हाट इज नॉट गुड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फिश पॉन्ड। तो ये जो है फिशर यानी फिशर वाचर जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनमें से करेक्ट आंसर जो था अलाउ एवरीवन टू विजिट, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ वॉचमैन, वॉचमैन की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, पंचुअल होनी चाहिए, रेगुलर, अलर्ट, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ वॉचमैन, वॉचमैन का ड्यूटी क्या होनी चाहिए, पेट्रोलिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंस्पेक्शन एक्सेस पॉइंट होनी चाहिए, इंस्पेक्टिंग बिल्डिंग होनी चाहिए, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, कि डू द थिंग्स वन इज सपोज टू डू, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, यानी आपको एक काम दिया जाए तो उसको आपने करना होता है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं कि व्हाट वॉचर शुड डू टू एनहेंस द सेफ ऑफ द फिश पॉन्ड, फिश पॉन्ड को सेफ किस तरह से बनाया जाता है, डू नॉट अलाउ स्ट्रेंजर्स, चेक द आइडेंटिटी ऑफ द विजिटर्स, कीप विजिटर रिकॉर्ड, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि व्हाट इज द वॉचर शुड नॉट डू बिफोर लीविंग आफ्टर द ड्यूटी, तो ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, कि लीव द साइट इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि व्हाट इज नेग्लिजेंस, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कि फेलर टू टेक प्रॉपर केयर। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं कि व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ फिश इन फिश पॉन्ड, तो ये क्या होनी चाहिए, डिजीज, शॉर्टेज ऑफ फीड, टेम्परेचर वेरिएशन, इसकी वजह से ये जो है पाउंड में मछलियाँ मरती है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं कि जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जूलॉजी जो है एनिमल्स के स्टडी को कहते हैं, और बॉटनी जो है इसको प्लांट्स को कहते हैं, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, लाइफ का जो है उसका जो है बायोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं कि व्हाट सब्जेक्ट स्टडी अबाउट फिश, फिश के मुताबिक यह है कीटोलॉजी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ फिन्स इन फिश बॉडी, तो ये होती है ब्रीथ होती है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं कि व्हाट इज नॉट द रोल ऑफ स्केल्स इन द बॉडी ऑफ द फिश, तो ये होता है हेल्प इन डाइजेशन, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं कि विच ऑर्गन हेल्प द फिश इन अ फ्लोटिंग, तो ये स्विम ब्लैडर होता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं कि द कॉमन ट्रेट बिटवीन टेडापोल एंड फिश इज, ये क्या होती है, लेटरल लाइन नैरो सिस्टम, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइग्रेटरी फिश, तो ये माइग्रेटरी फिश जो होता है सलमोन होता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेमल, बैट जो है ये एक मेमल है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं, ये आइडम है कि ही बिलीव्स इन द पॉलिसी ऑफ मेकिंग हेट वाइल द सन शाइन, तो इसका मतलब क्या है, कि मेकिंग द बेस्ट यूज फॉर फॉरएबल सिचुएशन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, आइडम है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं, ये भी आइडम है कि अराउंड द क्लॉक यानी डे एंड नाइट, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं कि बलूचिस्तान काउर्स डेश परसेंट ऑफ एरिया ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान जो है एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा है पाकिस्तान का सूबा है, और ये 43% एरिया जो है इन्होंने कवर किया हुआ है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं कि विच वन इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर डिस्चार्ज, यानी पानी यानी हजम के लिहाज से जो बड़ा है वो अमेजोन है, और लंबाई के लिहाज से बड़ा है वो नाइल है, तो यहाँ पर हजम की बात की है तो ये अमेजोन है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एशियन कंट्री, मराकश जो है ये एशियन कंट्री नहीं है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, एशिया जो है सबसे बड़ा है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉल्स बोथ इन यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया दोनों में जो है वो तुर्की है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट केवड़ा साल्ट माइंस इज लोकेटेड, केवड़ा साल्ट जो है ये जहलम में है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज लोकेटेड इन, ये इजिप्ट यानी मिस्र में वाकिया है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं कि द साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड इन, साउथ पोल जो है ये एंटार्क्टिका में है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं कि द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी वाज, यानी समंदर के जरिए जो यूरोपियन का एक बंदा समंदर के जरिए गया था इंडिया को, ये वास्को डी गामा था। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं कि विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, जो है ग्रीनलैंड है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं कि विच कंट्री इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, ये नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं कि विच कंट्री कंटेन द मोस्ट नंबर ऑफ वोल्केन्स ऑफ द इन द वर्ल्ड, ये इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा है। कहकशा जिसे कहते हैं, ये जहाँ से ज़मीन पटती है और लावा निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं कि विच वन इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये सहारा डेजर्ट है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं कि विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ, वेटिकन सिटी है, ये यूएनओ का मेंबर नहीं है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की करेंसी का नाम क्या है, तक्का है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं कि द G8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 डेवलपिंग कंट्रीज, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं कि द माउंट एवरेस्ट इज प्रेजेंट इन माउंट एवरेस्ट, जो है ये नेपाल में वाक्य है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं कि विच वन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, ये पैसिफिक ओशियन है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, एरेक्टिक जो है सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, कनाडा का दारुखिलाफा जो है वो ओटावा है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं कि विच इज द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये रशिया है, रग्बी के लिहाज से, आबादी के लिहाज से चाइना है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं कि हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक टू गेट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है 9 साल बाद हासिल किया। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं कि विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया जो है ये सिंध है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं कि हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज़ द मर्चेंट ऑफ, उसका कारोबार कौन सा था, हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्लाथ यानी कपड़े का कारोबार था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, कपड़े के सौदागर थे। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं कि व्हाट टैक्स इज पेएबल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अंडर इस्लामिक लॉ, यानी ये जो एग्रीकल्चर यानी ज़मीनी जो चीज़ पैदा होती है उस पर कौन सा टैक्स लागू होता है, उशर उसे कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रॉफिट इस्माईल अलैहिस्सलाम मदर, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ का नाम क्या था, हाजरा अलैहिस्सलाम था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं कि द वर्ड रमदान लिटरल मीन्स, इसका मतलब क्या है, स्कॉर्चिंग हीट। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं कि हु एडिट सेकंड आजान फॉर फ्राइडे प्रेयर, ये हजरत उस्मान बिन अफान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एड किया है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं कि हु एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, दुनिया में सबसे पहले जो है पुलिस का निज़ाम किसने इस्टेब्लिश किया था, ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं कि गेटवे ऑफ नॉलेज इज़ द टाइटल ऑफ, ये हज़रत अली अलमुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लकब है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं कि हाउ मेनी सन्स डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम हैव, हज़रत सल्लम के 3 बेटे थे और 4 बेटियाँ थी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं कि वेयर शेख अब्दुल कादिर जेलानी इस बर्ल्ड, शेख अब्दुल कादिर जेलानी जो है बगदाद में दफन है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूरा, सूरा का मतलब क्या है, रिफ्यूज है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं कि हजरत डेश वाज द फर्स्ट हाफिज ऑफ द होली कुरान, यानी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे कुरान मजीद के पहले हाफिज थे। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं कि विच सूरा इज नाउन एज ब्यूटी ऑफ कुरान, यानी ये जो है सूरह रहमान को जो है ब्यूटी ऑफ कुरान कहा जाता है और यासीन को जो है हार्ट ऑफ कुरान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं कि एट व्हाट एज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड द फर्स्ट वही, द फर्स्ट कुरानिक वर्सेस ऑन रिवेलेट, यानी हदूद सल्लम पर पहली वही जो है कितनी एज में नाजिल हुई, 40 साल में। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं कि व्हेन डिड द इंटरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, ये 8 हिजरी को हुआ था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें अपनी खास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।